तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया है। अदालत ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा है, क्या कहा है जरा ध्यान से देखिए, ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान नहीं होगा। हालांकि नतीजों अब देखिए क्या क्या कहा है, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा। कोर्ट ने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान नहीं होगा, हालांकि नतीजों के 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्चियां सुरक्षित रखी जाएगी। जांच के लिए उम्मीदवार को 7 दिनों के अंदर अपील करनी होगी। यह अपील दूसरे और तीसरे नंबर पर आए उम्मीदवार ही कर सकेंगे। इसका सारा खर्चा कैंडिडेट को उठाना पड़ेगा। अगर आरोप सही साबित हुए तो पैसा लौटा दिया जाएगा। हालांकि पड़ताल सिर्फ 5% ईवीएम की ही होगी। लोकसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग के लिए यह बड़ी राहत है। कोर्ट ने विपक्षी दलों के उन आरोपों पर भी विराम लगा दिया जो लगातार ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाते रहे। इस फैसले से दो चीजें साफ हो गई हैं। पहला ये कि चुनाव में मतदान ईवीएम से ही होगा और दूसरा बैलेट पेपर से वोटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये मांग भी आज देश की सबसे बड़ी अदालत में खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 56 पन्नों के अपने जजमेंट में कहा है कि ईवीएम को लेकर संदेह पर अब विराम लग जाना चाहिए। 37वें पन्ने पर जज ने इसे सिंपल, सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली बताया है। एडीआर वर्सेस चुनाव आयोग और अन्य के मामले में जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, जब तक ईवीएम के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं हो, चुनाव प्रक्रिया में मौजूदा व्यवस्था निरंतर सुधार के साथ लागू रहनी चाहिए। मतदान के लिए ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर या फिर कोई दूसरा पीछे ले जाने वाली व्यवस्था को अपनाने से बचा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस बात की जांच करने को कहा कि क्या वीवीपैट पर्चियों पर पार्टी के चुनाव चिन्ह के अलावा कोई बारकोड हो सकता है जिसे मशीन से गिना जा सके। जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग को 2 निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि वीवीपीएट मशीन की सिंबल लोडिंग यूनिट को भी अब स्ट्रांग रूम में ही सील बंद रखा जाए। अब तक सिर्फ कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपीएट को ही 45 दिन तक सील बंद रखा जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगे को ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंबल लोडिंग यूनिट्स को सभी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में उनके हस्ताक्षर के बाद कंटेनर में सील बंद रखा जाए। निर्देश के अलावा 2 सुझाव भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए। क्या वीवीपैट पर्चियों की गिनती के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन की व्यवस्था हो सकती है और क्या हर सियासी दल के सिंबल के साथ कोई बार कोड भी हो सकता है? कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस पर विचार करने को कहा है। साथ ही उस प्रावधान को हटाने से भी इनकार किया जिसके तहत ईवीएम में गड़बड़ी की फर्जी शिकायत करने पर वोटर के लिए दंड का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंख बंद करके सिस्टम पर संदेह नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि अब तक 40 बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाईकोर्ट में ईवीएम को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। खुद चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए पिछले महीने इसकी जानकारी दी। 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है। सवाल यह है कि क्या यह फैसला विपक्ष के लिए बड़ा झटका है, वो भी ऐसे वक्त में जब चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका खारिज की उसमें कांग्रेस प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पक्षकार नहीं थी। वीवीपैट के इस्तेमाल को लेकर हमारा पॉलिटिकल कैंपेन जारी रहेगा। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विपक्ष के मुंह पर तमाचा बताया। ये रिपोर्ट। आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए। जब जीतते हैं तब तो ठीक है,
और जब हारते हैं तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के नेताओं की फितरत है कि इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करो। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंतोगता सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं, लड़ाई लगातार चलेगी। एक बार फिर विपक्ष जो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वीवीपैट की पर्चियों को मिलाने की याचिका को खारिज किया है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और एक मंत्री इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करते हैं। आज अगर केंद्र सरकार कह दे कि सारी की सारी वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए तो इलेक्शन कमीशन मानेगा। समस्या तो ये है, जब ये कोर्ट में मामला जाता है तो इलेक्शन कमीशन भी इसका विरोध करता है, केंद्र सरकार भी इसका विरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी भी इसका विरोध करती है, तो इसका विरोध क्यों है ये बात समझ के परे है। ईवीएम पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सभी भ्रम दूर कर दिए हैं, लेकिन अगर भ्रष्टाचारियों को कोई भ्रम है कि उनकी लूटी गई दौलत से वो ऐश करेंगे तो उनका ये भ्रम प्रधानमंत्री मोदी ने दूर कर दिया। ये बताने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए जरा पिछले कुछ सालों में, ये देखिए जरा, आपने इस तरह की तस्वीरें सैकड़ों बार देखी होंगी। आए दिन ईडी के छापों के बारे में सुना होगा, इनकम टैक्स की रेड की तस्वीरें देखी होंगी। इसके साथ ही आपने इस तरह के छापों में लाखों करोड़ रुपए जब्त होते हुए देखे होंगे। बकायदा मशीन लगानी पड़ती है गिनने के लिए, पुलिस भी अपराधियों के घर छापा मारकर लाखों रुपए जब्त करती है। कई बार हम और आप हैरान रह जाते हैं कि आखिर किसी के घर में इतने सारे पैसे, इतनी अकूत संपत्ति कैसे बरामद हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब्त किए गए लाखों करोड़ रुपए का होता क्या है? जब्त की जाने वाली चल अचल संपत्ति का क्या होता है? क्या जांच एजेंसियां उन पैसों को अपने पास रख लेती हैं? क्या सारा का सारा पैसा सरकारी खजाने में चला जाता है? पिछले 10 साल में जब्त हजारों करोड़ रुपए का क्या हुआ? ये सवाल वाजिब है, मौजूद है, और इसी का जवाब प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान में छिपा है। हमारा संकल्प है जो भ्रष्टाचारी है उनकी जांच होगी, जिन्होंने गरीबों को लूटा है वो लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। ये जो भ्रष्टाचारी है इनके पास जो लूट का पैसा है निकल रहा है, जो बंगले गाड़ियां जब्त हो रही हैं, ये जनता को कैसे लौटाया जाए इस पर मोदी तेजी से काम कर रहा है, रास्ता खोज रहा है। ये माताओं बहनों की बचत पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन मोदी माताओं बहनों को संपत्ति का हकदार बनाने में मैं आपका चौकीदार बन के खड़ा हूं। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस इस बात पर है कि जनता का लूटा हुआ पैसा जनता तक वापस पहुंचे, लेकिन आखिर यह होगा कैसे? क्या प्रधानमंत्री मोदी सीक्रेट इनकम मिशन पर काम कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लाने वाले हैं? जनता का लूटा हुआ पैसा आखिर वापस जनता तक कैसे पहुंचेगा? क्या पीएम मोदी इस मास्टर स्ट्रोक से 400 पार का लक्ष्य देख रहे हैं? क्या मोदी 3.0 में सरकार का यह फैसला गरीबों के लिए गेम चेंजर होगा अगर वो सरकार बनाते हैं तो? ये रिपोर्ट देखें। पिछले 10 साल में मोदी कार्यकाल में इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सैकड़ों रेड में लाखों करोड़ रुपए जब्त किए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन पैसों का क्या होता है तो समझिए, जांच एजेंसियां जब्त पैसे अपने पास नहीं रखती, पहले जब्त पैसों का सोर्स बताने का मौका देती हैं, सोर्स नहीं बताने पर ही पैसों को जब्त करती हैं। एजेंसी जब्त पैसे को ट्रेजरी में जमा करवाती है, जब तक ट्रायल चलता है पूरा पैसा जमा रहता है, दोष साबित होने पर पैसा सरकारी खजाने में जाता है, आरोपी अगर बरी हो गया तो पूरा पैसा लौटा दिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बयान से साफ है कि वो किसी बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं।
ऐसे में चारों तरफ इस बात की चर्चाएं हैं कि पीएम मोदी कोई बड़ी स्कीम लॉन्च कर सकते हैं जिससे लूट का पैसा जनता तक पहुंच जाए। लेकिन आखिर पिछले 10 साल में कितना पैसा जब्त हुआ है वो आंकड़ा भी देख लेते हैं। मोदी सरकार ने राज्यसभा में बताया था 1 जनवरी 2014 से 31 अक्टूबर 2023 के बीच ईडी ने 1,16,792 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। 2019 से 2023 के बीच इनकम टैक्स ने 5,000 करोड़ से ज्यादा जब्त किए हैं। तो पैसा कहाँ से लाएगा? मोदी ही तो ला सकता है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस पार्टी थोड़ी ला सकता है पैसा को वापस। तो वो बोलेगा तो करेगा, चांस तो मिलना चाहिए। लूट का पैसा गरीबों में बांटेंगे तो ये कैसा बयान देखते हैं? ये बयान तो एकदम ठीक है, क्योंकि मोदी जी चाय बेचते बेचते ऊपर आए, नीचे लोग के बारे में जानते हैं। यहाँ तो सारा लूट का पैसा है, यहाँ तो लोग मजे में पैसे कमा रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री मोदी की प्लानिंग पर यकीन करें तो सरकार एक यूनिवर्सल इनकम स्कीम ला सकती है। इसे समझते हैं। इस स्कीम के तहत देश के नागरिकों को तय राशि मिलती है, ये राशि नियमित भी हो सकती है। इसका लक्ष्य गरीबी को कम करना है, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को फायदा होगा। और प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि वो अपने तीसरे कार्यकाल में लूट का पैसा आम लोगों के बैंक अकाउंट तक पहुंचाने के मिशन पर काम कर रहे हैं।